अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी आर बैक इन अ व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम लोग वही कर रहे हैं जो हम लोग कल कर रहे थे, मतलब डेली व्लॉग। हाँ, तो अब मैं तैयार शैर हो गया हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मोटा हो गया हूँ, सीरियसली मोटा। हाँ, तो अब मैं तैयार हो गया हूँ, नहा धो के फारिग हो गया हूँ। अभी अभी स्कूल से आया था और सुबह मैंने फिर से व्लॉग नहीं शुरू किया। और तब मैं घर आया, मैंने ये देखे फुटबॉल स्टेडियम अलवेज फॉर ईट एंड टेस्टी मैंने देख लेते हैं। आया है, भूख लग रही है, इसको बाद में देखेंगे। बहुत भूख लग रही है, अभी बहुत भूख लग रही है। आए गाइस किचन में देखते हैं क्या है जी। किचन में क्या आलू बड़ा हुआ है? आया है आलू। और ये पापा ये क्या है? मैंने ये स्पेगेटी बनाने की कोशिश की थी तो ये स्पेगेटी बनी है, सही बनी है, लेकिन मैं कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स डालना भूल गया। मैं उस पर क्यों हार जा रहा था पता नहीं। हाँ, तो गाइस अब नमाज वगैरह पढ़ते हैं। अरे आज के ब्लॉग में मेरे पास एनर्जी क्यों नहीं है? एनर्जी? हाँ, तो गाइस अब एनर्जी आ गई है, अब बस चलते हैं, नमाज शमाज पढ़ते हैं, फिर वही वाली रूटीन वर्कशॉप करते हैं, फिर पता नहीं कुछ खाते हैं, स्पगेटी खाते हैं। और ये भी अब रोना शुरू हो गया। हाँ हैं, बना रही हूँ ये चिड़ियों के ना चावल डालने के लिए, तो बस अब चावल डालते हैं। आया 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 आया, ये डले हुए चावल। आए हाय 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 हाय, चलो भाई चावल चावल डल गए, अब इसे कप को ऊपर रख दे। अब बस घर चलते हैं वापस। आप लोग देख सकते हैं अभी शाम का टाइम हो रहा है और मौसम बाहर का बहुत अच्छा हो रहा है। और अभी मैं जा रहा हूँ ये मार्केट, मार्केट से मैंने लेना है घर के लिए बेसन, बेसन का आधा पैकेट, और बेसन के बाद लेनी है हमें चोकबार। आज यू नो बचपन पूरा करेंगे। चोकबार तो आलू में खाई हुई बचपन में जो होती होती, इसके अंदर ब्राउन कलर की मतलब आउटर लेयर होती है चॉकलेट की, और जो इनर लेयर होती है वो वनीला की होती है, वाइट वनीला आइसक्रीम की, वो वाली आइसक्रीम मैं अभी लेने जा रहा हूँ मार्केट से। इधर भी मिल जाती है, उधर भी मिल जाती है, तो बस वो वाली चॉकलेट लाते हैं। घर आ गया था लेकिन वो चोकबार नहीं मिली। अब हम लोग आज या कल रात को ट्राई करेंगे चोकबार और ढूंढने के लिए, ताकि जो हमारे नियरेस्ट मार्केट थी उधर तो नहीं मिली, उधर से हमें क्या होना चाहिए बेसन मिले, गुलफार का 1 kg बेसन। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ एमिरेट्स मार्केट, जहाँ पे वो क्रिकेट ग्राउंड नहीं है वहाँ पे मैं जा रहा हूँ एमिरेट्स मार्केट, जिससे कहते हैं EGM मार्केट, सॉरी हाँ EGM मार्केट कहते हैं। उसके साथ ही EGM ग्राउंड है जो कि वो क्रिकेट ग्राउंड है, तो हम लोग ना उधर जा रहे हैं आज, ताकि हमने ना घर के लिए थोड़ी सी चीज़ें वगैरह लेनी थी, मतलब ग्रोसरी नहीं करनी थी, ग्रोसरी हम लोग मॉल से ही करते हैं। हमने ना घर के लिए चीज़ें लेनी थी, जैसे कि कल का सामान, कल मैंने स्कूल जाना है वो वाला सामान, ग्रोसरी नहीं सामान। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं आ गया हूँ एमिरेट्स मार्केट की तरफ, वो रहा सामने EGM क्रिकेट ग्राउंड, और वो रही सामने मार्केट जहाँ पे एक मस्जिद आपको दिख रही होगी, मस्जिद का मीनार जिसे कहते हैं, मीनार कहते हैं ना ये जो ऊपर होते हैं, हाँ मीनार। और आप जैसे साइड पे देख सकते हैं ना कोई लाइट ना कुछ, हॉन्टेड विलास, हॉन्टेड विलास, हाय हाय हाय, भूल हमें उठाने आ जाएगा। हाँ, तो अब ये देखें गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये सामने आ गया क्रिकेट ग्राउंड। किसी दिन ना मैं आपको इधर भी लेकर आऊँगा। हाँ, मैं लाया तो था तब, मैं पहले पिछले साल अपलोडिंग करता था ना, और जिससे पहले मैं छोड़ा था, मैं वो भी आप लोगों का एक ब्लॉग था EGM ग्राउंड का मेरा, जो कि एमिरेट्स ग्राउंड है या कुछ ऐसा ही है। और वो रही एमिरेट्स मार्केट, मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। उधर है मिनी लुलू, जैसे हमारा लुलू मॉल नहीं है वहाँ पर मिनी लुलू, लोग देख सकते हैं ये रहा वो EGM क्रिकेट ग्राउंड, और ये आ गई वो मार्केट और वो वाली मस्जिद। और देखिए मैंने आपको जैसे कहा था
इधर है लुलू एक्सप्रेस, मतलब मिनी लुलू। इधर मतलब लुलू के वो वाले फीचर्स नहीं होते जैसे मॉल वाले जो लुलू होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, कंफर्टर वगैरह मिलता है, वैसे इधर भी मिलता है ये चीज़ें, लेकिन कम कम, मतलब इनके पास इतना स्टॉक नहीं होता जितना लुलू के पास होता है। ये इधर हमारे रवेस में 3 ब्रांचेस हैं, एक ज्ञाति ब्रांच है और एक क्या नाम लेते हैं ये वाली ब्रांच है और एक मॉल वाली ब्रांच है। ज्ञाति में भी मॉल वाली ब्रांच है, ज्ञाति जहाँ पे वो अमार भाई वगैरह पहले रहते थे, रिमशा भी अमार भाई वगैरह वो अलग ज्ञाति। तो ये आ गई वो EGM मॉस्क, ये मस्जिद है और साहिब बनाना तो कच्चे हैं, हम लोग हाँ मार्केट आ गए, ये साहिब बनाने लेकिन कच्चे हैं, ये मिल्कशेक हम लोग सुबह पीते हैं मॉर्निंग में, तो ये उसके लिए सूटेबल नहीं होंगे। ये वाले बनाना चाहिए हमें, ये वाले जैसे ये वाले नहीं है फ्रेश येलो येलो। गाइस इधर के जो ये कितने बनाना है, 4 बनाना जो आए ना वो आए 5 दिरहम के, ये देखें 5 दिरहम के ये बनाना है। गाइस आप लोग ने कमेंट सेक्शन में बताएगा जहाँ पे भी आप लोग रहते हैं ना वहाँ पे आप लोगों को ये 5 बनाना कितने रुपए या कितने दिरहम या कितने उसमें आते हैं, जो भी करेंसी है आप लोगों की। ये गिरी ना जाइए जैसे मैं पकड़ लूँगा यार। हाँ बस चलते हैं और ग्रोसरी करते हैं। आया तो हूँ दूर से तो इसलिए चोकोबार उठा लेते हैं। ये रही हमारी चोकोबार, रास्ते के लिए हम लोग खाते हुए जाएंगे हमारी चोकोबार। ये देखें ये बाहर ब्लैक ब्राउन चॉकलेट है और अंदर वनीला आइसक्रीम है। ये रखो बुक भी आई हुई है इनकी, ऑफर लगी है। ये देखें ऐसे ही ना बुक्स ये लोग घर में भी दे देते हैं और ना मार्केट्स वगैरह में भी लगा देते हैं ताकि लोग इनकी ऑफर व्यू देख सकें। आज ये शाजिया में भी बहुत आता है, पाकिस्तान में होता है गैस, कमेंट सेक्शन में बताएगा। कंपनी होती है ना वो आती है हर एक फ्राइडे और हमारे घर में अब पानी ख़त्म हुआ है तो हमने इसलिए लिए ये टेम्परेरी पानी की बोतल। आप लोग अगर देख लेंगे वो जो बड़ी सी पानी की बोतल नहीं होती जो डिस्पेंसर्स में लगी हुई होती है पाकिस्तान में, उसकी आती हैं गोरमे वगैरह की, ये उसकी वैसी वो वाली बोतल्स ना उसकी जो कंपनी आती है ना वो हमें देती है होम डिलीवरी, मतलब सबको देती है, बस आपने ना खाली बोतलें बाहर रखनी होती है। फ्राइडे को आपके घर में फ्रेश पानी की बोतलें आ जाएंगी। हाँ तो हमारी तो ख़त्म हुई हुई हैं और कल फ्राइडे तो कोई मसला नहीं है, तो बस यही है पानी की बोतलें टेम्परेरी यूज़ के लिए। ये आ गई मेरी आइसक्रीम, अब इसको ना चलते चलते खाते हैं। चोकोबार क्वालिटी की चोकोबार आ गई हमारी, पाकिस्तान की यादें पूरी हो गई। लेकिन पाकिस्तान में कौन सी कंपनी की आती है चोकोबार? पाकिस्तान में आती है वॉल्स की, लेकिन इधर आती है क्वालिटी की। तो इधर ज़्यादा पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं नहीं जैसे वॉल्स वगैरह इधर होती हैं, लेकिन सिर्फ यू नो पेट्रोल पंप वगैरह में होती हैं ये चीज़ें, वॉल्स वगैरह की आइसक्रीम या ऐसे कोई आइसक्रीम आ गई। पहले पिज़्ज़ा हट नहीं है उधर होती थी वॉल्स की आइसक्रीम का स्टेशन है ना, आइसक्रीम का स्टेशन होता था और एक सैलड बार होता था। अब यहाँ पे ज़्यादा यू नो रवेस में पॉपुलेशन नहीं है तो ना ज़्यादा लोग सैलड बार या वॉल्स की आइसक्रीम वगैरह खाते थे, तो इसलिए उन्होंने हटा दिया था वो और अब नॉर्मल पिज़्ज़ा हट है। किसी दिन हम लोग जब पिज़्ज़ा खाने जाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे होते हैं, वो खाते हैं आइसक्रीम फिर मैं आपको दिखा दूँ कि अंदर वहाँ पर मैचेस कैसे होते हैं। पहले आइसक्रीम खाते हैं, बिस्मिल्लाह। मज़े की आइसक्रीम खा मैंने, आइसक्रीम खाते खाते ना मैं आपको EGM ग्राउंड दिखाता हूँ। दे रहा वो क्रिकेट ग्राउंड, इधर ये देखें ये सारे मैचेस खेलने आए हुए हैं लोग, ये देखें ये सारे मैचेस वगैरह खेल रहे हैं लोग। एक दफ़ा गाइस बोलूँ क्या हुआ, हम लोग ना ऐसे EGM के उधर गुजर रहे थे, इधर ना मॉल का रास्ता इधर से ही है, ये जो आप रोड देख रहे हैं सामने मॉल का रास्ता ना इधर से ही है, तो हम लोग ना इधर से ही आ रहे थे तो क्या हुआ जी बॉल ना बाहर आ गई, बॉल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी घर से 1 इंच दूर थी, 1 इंच हाँ, तो हमारी गाड़ी बच गई थी और मैंने उतर के ना उनको बॉल ऊपर से वापस कर दी थी। थी भी वो क्या हम लेते हैं सीजन बॉल, और जो हार्ड बॉल नहीं होती रेड और वाइट कलर में वो वाली बॉल थी वो, तो अगर गाड़ी पर लगती ना गाड़ी का शीशा जाना था या बोनट जाना था। हमारे पास गाड़ी तो है लेकिन हम लोग फिर भी पैदल आए हैं ताकि यू नो थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी, आइसक्रीम शाइसक्रीम भी खा लेंगे
और क्या नाम लेते हैं, हाँ मैं क्या कह रहा था, ये पापा ने सारा सामान उठाया है मुझसे, तो ये इतना नहीं था, बहुत भारी है, ताकि इसमें एटलीस्ट लाइक दही का डब्बा, दूध का बड़ा डब्बा हो गया, वो स्कूल की चीज़ें हो गई मेरी, वो सारा कुछ एक शॉपर में उन्होंने दिया हुआ है, ताकि शॉपर जो नहीं है इधर वो हैं 50 फिल्स के, और कम ऑन 50 फिल्स कौन दे, वैसे तो दे देते लेकिन फिर भी ऐसे ही जाते, अगर 50 फिल्स बचा लो आप रोज और ना दो आपके 100-200 दिन हम रोज के बच रहे हैं, ताकि हम लोग ना रोज एमिरेट्स मार्केट आते हैं, रोज ही ऐसी चीजें लेते हैं। और हाँ एक दफा वो ना क्या हुआ, आप लोग मुझे ना बहुत ज्यादा तंग करेंगे, लेकिन एक दफा क्या हुआ, मैंने ना ऐसे ये कार्टन उठाया एक दफा पानी का, मेरे तो ना साइड पे दर्द हो गई, इतनी दर्द हुई, रात को इमरजेंसी डॉक्टर जाने को मिला, लेकिन एक फायदा था मुझे कल की ना छुट्टी मिल गई थी, जो कि एक फायदा था। और हाँ मैं व्लॉगिंग बहुत वियर्ड हाथ से बना रही हूँ, देखें ये ऐसे मैं व्लॉगिंग बना रहा हूँ, ताकि मेरे राइट हैंड में आइसक्रीम है, ताकि यू नो हमेशा राइट हैंड से खाना चाहिए, जो हमारे मामा पापा ने सिखाए हैं उसको हम लोग फॉलो करेंगे राइट हैंड से। मतलब मोमेंट हो गया, टेल मी यू लिव इन यूएई विदाउट टेलिंग मी यू लिव इन यूएई, इतना गर्म मौसम होता है कि अभी 3 मिनट नहीं हुए आइसक्रीम खाए हुए, और नवंबर का टाइम है आज, 5 साल में लोग स्वेटर पहन के फेरे हैं, 3 मिनट नहीं हुए मुझे ये आइसक्रीम खाए हुए, और मेरे हाथ पहले ही आइसक्रीम से मेल्ट हो गए, 3 मिनट नहीं हुए, ये वही वाला मोमेंट हो गया, टेल मी यू लिव इन यूएई विदाउट टेलिंग मी यू लिव इन यूएई, ये वाला मोमेंट हो गया अभी, ये देखें 3 मिनट नहीं हुए मुझे, सीरियसली 3 मिनट नहीं हुए।